धार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो धार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम से कॉल करके पंप मालिकों से ठगी किया करता था। धार पुलिस कोतवाली पर पंप के संचालक सुभाष जोशी ने शिकायत की और बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी के नाम से मेरे साथ 1,20,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई और गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। देखिए, कुछ समय पहले धार में दो घटनाएं हुई थी, 400 की धाम नौ, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का नाम लेके पेट्रोल पंप संचालकों से करीब 7,000 रुपये की धोखाधड़ की है। इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच और कोतवाली की टीम ने काम किया और उसमें अभी दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके खाते से पैसे का लेन देन हुआ था। और इसमें मेन अभियुक्त जो है रिंकू नाम का व्यक्ति है जो अभी करौली जेल में जहाँ से पूरे रैकेट का संचालन कर रहा है। हमने कंसर्न ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया है और उसमें जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कई मामले आए हैं जिनको इन्होंने शिकार बनाया? देखिए, ये लोग प्रयास लगातार कर रहे थे, आसपास के जिलों में भी, झाबुआ खरगोन में भी सूचना है। और जिन्होंने अभी हमारे पास जो कन्फर्म है उसमें मुरैना में, पन्ना में इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और पन्ना पुलिस जो है वो 10 तारीख को इसका प्रोडक्शन ने काफी जगह ये काम किया है, परंतु आप इस पूरे मामले को क्रैक करके हमने दो लोगों को अरेस्ट किया। सर, इसके अलावा आम लोगों से कई बार ठगी हो जाती है, एटीएम से पैसा निकल जाता है, उनके पिन कोड मांग लिए जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग अभी भी ठगा महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? क्योंकि ये तो अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला। देखिए, इसमें अधिकारी और जनता की बात नहीं है, हर मामला अलग होता है। और मेरा ये कहना है कि 400 BC के जो ऑनलाइन ऑफेंसेस होते हैं, साइबर रिलेटेड रहते हैं, उनमें अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। और ऐसे में जो भी कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा।